वेलकम बैक टू अर्चना आर लड़के में। देखिए मैंने सिकंदराबाद आरआरसी सिकंदराबाद का ऑफिशियल पेज खोल के रखा है। देखिए इन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को एक बार फिर से इन्होंने बच्चों को रिजल्ट से हटा दिया गया, मतलब जिनका डीबी हो चुका था उनको फिर दोबारा से हटा दिया गया और नए बच्चों को जोड़ लिया गया। तो देखेंगे अपन पूरी अपडेट, चलिए वीडियो बने रहिएगा। तो ये देखिए एक कोरिजेंडम जारी किया है इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि 333 बच्चों को इस लिस्ट से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी जिनका हो चुका था उनको हटा करके 333 नए बच्चों को बुला लिया गया है। तो देखेंगे इस पूरे अपडेट क्या क्या हुआ है इनमें। तो ये देखिए ये है साउथ सेंट्रल रेलवे कोरिजेंडम जारी किया है, इसमें देखते हैं कोरिजेंडम में क्या किया गया। कोरिजेंडम टू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन CNRRC दिया गया इन। अब देखिए क्या है इसमें, इन पार्टिकुलर मॉडिफिकेशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अमंग 9303 मतलब 9303 वैकेंसी थी, द फॉलोइंग 333 कैंडिडेट आर विड्रॉ। देखिए इन्होंने क्या किया, 333 जो स्टूडेंट हैं इनको हटा दिया गया है और 333 जो नए स्टूडेंट हैं इनको जोड़ लिया गया है अपने नए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब ये 333 जो स्टूडेंट थे उनको क्या किया गया है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी करवा लिया, मेडिकल भी करवा लिया, इसके बावजूद इनको हटा दिया गया। तो देखिए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, जो बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए अब वो तो अपना इंतजार करने लगे होंगे कि फाइनल पैनल का इंतजार होगा, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है कि उनको हटा दिया गया है, उस लिस्ट से ही हटा दिया गया है और बोला भी गया है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये दिखाया गया, एक्सक्लूडेड कैंडिडेट मे नॉट देट दो द डीबी एंड एमई इनकम्प्लीटेड दे विल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी पोस्ट। मतलब इन्होंने कहा गया है कि जिन बच्चों का हटाया गया है उनको ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, और जो बच्चे बचे हुए हैं जो 333 जिन्हें हटा दिया गया उस लिस्ट में उनका मतलब जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो ये देखिए इन्होंने वो भी जारी कर दिया गया है कि जो नॉन पीडब्ल्यू, ये देखिए रिवाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज ऑन डेट नॉन पीडब्ल्यूबीडी। तो ये देखिए ये जनरल का कट ऑफ दिया गया है, एससी का कट ऑफ इन्होंने डिक्रीज किया है, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। इन्होंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो दो बच्चों को बाहर कर दिया था, तो ये तो पहले से ही ऐसा कर रही है कि कुछ बच्चों को, दो बच्चों को हटाया, दो बच्चों को ले लिया, और अब तो इतनी बड़ी लिस्ट इन्होंने हटा दी गई, इतने ज़्यादा बहुत 333 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इन बच्चों को हटा दिया गया और 333 बच्चों को ले लिया और कोई ऐसा रीज़न भी नहीं दिया किस वजह से हटा लिया गया। तो इसे देखते तो लगता है कि रेलवे अपनी मनमानी कर रही है, जिन बच्चों का किसी को भी हटा रही है, किसी को भी जोड़ ले रही है, ये कौन सी इंसाफी होती है। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि जो सिलेक्टर हैं ये काम कर रहे हैं वो कोई लो लेवल के उच्च अधिकारी होते हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं फिर भी उनसे गलती हो जा रही है, और वो कह रहा है कि अगर एक बच्चा थोड़ी सी गलती कर दे रहा है तो उसको बाहर कर दे रहे हैं, जब आप इतनी बड़ी गलती कर दे रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो ये देखिए ये जो बच्चे हैं जिनको हटाया गया ये उनके रोल नंबर दिए गए हैं और ये उन बच्चों की लिस्ट है जिनको ये पूरा उनका बायोडाटा दिया गया है, ये उनको जोड़ा गया है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जा रहे हैं तो आप लोग उसी फॉर्मेट में ले जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी गलती पे से बच्चों को हटा रहे हैं। तो मैं देखा हूँ, मैं भी जब देखने गया था वहाँ पे एक इंटरव्यू लिया था, उसमें एक बच्चे का ये हुआ था कि उसको डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट में था उसको बाहर कर दिया गया, मतलब बाहर तो नहीं, उससे बोला गया कि एक डेट दे दी गई उसमें बनवा कर लाओ। अब हो क्या रहा है कि कभी कहीं कहीं जब आप बनवाने जा रहे हैं तहसीलों में तो जो SDM वगैरह होते हैं वो लोग उस फॉर्मेट में नहीं बना रहे हैं, जो उनका चलता है उसी में बनवा रहे हैं। आप क्या होता क्या है कि आप लोग जब तहसील में जाते हो तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो आप लोग जो बाबू बैठा रहता है उससे रिक्वेस्ट करके 100-200 रुपए अगर वो ले तो उनको बोलो कि हमें इसी फॉर्मेट में बनवाना है। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसी जो बोला है जैसा बोला है वैसे ही ले जाएं। होता क्या है कि कहीं कहीं तो कंसिडर कर रहा है, कोई कोई सा रेलवे जो RRC है वो कहीं कहीं कंसीडर कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं इतनी सख्ती दिखा रहे कि वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को बाहर कर दे रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसी फॉर्मेट में ले जाएं, जो बोल रहा है उसे जो बोला गया उस टाइम से पहले चले जाएं, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि छोटी सी गलती की वजह से अपन जब फाइनल तक आ गए हैं तो बाहर हो जाएं। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले सभी अपडेट भी मैं आपको देता